हिमाचल में अब नहीं होगा BS4 वाहन रजिस्टर। 30 अप्रैल थी अंतिम तिथि ऐसे वाहनों को रजिस्टर कराने के लिए, तो अब आगे उसके लिए क्या करना है इस वीडियो में आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें हिमाचल की कोई भी करंट अफेयर्स या हिमाचल न्यूज़ देखने के लिए। तो क्या खबर निकल के आई है, अब नहीं होंगे BS4 वाहन रजिस्टर। 30 अप्रैल थी अंतिम तिथि। शिमला के प्रदेश में अब 30 मार्च से पहले खरीदे गए BS4 वाहन रजिस्टर नहीं होंगे। वाहनों की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। विभाग ने वाहन मालिकों को वाहनों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच 3 दिन का समय दिया था। रजिस्ट्रेशन तिथि के अंतिम दिन बुधवार को विभाग के 83 केंद्रों यानी RTO व RLA कार्यालयों में वाहनों की रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी रहा। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने ऑनलाइन आए आवेदनों पर भी रजिस्ट्रेशन की। परिवहन विभाग ने 3 दिनों के लिए वाहनों की रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रदेश के सभी RTO कार्यालयों को खोलने के निर्देश दिए थे और अब से BS6 वाहन ही बिकेंगे। प्रदेश में लॉकडाउन खत्म होने के बाद कार शोरूम में अब BS6 वाहनों की ही बिक्री शुरू होगी, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद विभाग कार शोरूम मालिकों को हालांकि राहत भी देगा। इस राहत में कार शोरूम मालिक शोरूम में रखे 10% वाहन BS4 बेच सकेंगे, जिसकी जानकारी उन्हें विभाग को भी देनी होगी। वहीं इन वाहनों को खरीदने वालों को अलग से कुछ रजिस्टर करवाने के लिए दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।